और जाना तो वहाँ प्लीज ये मेंशन कर देना कि उत्कर्ष द्विवेदी व्लॉग्स की वीडियो देख के उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक हो और अपनी अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम अभी रेडी हो गए हैं एकदम जाने के लिए, और दिखाते हैं कहाँ जाने वाले हैं अभी। कल ही हमारा एग्जाम खत्म हुआ है और आज तो हमने घूमना शुरू कर दिया। चलो अभी घूमने चलते हैं, और मौसम तो बारिश जैसा हुआ है लेकिन चलते हैं अभी, ठीक है। तो लाइट्स ऑफ। तो गाइस अभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, सामने वहाँ पे ट्रेन इंतजार कर रहा है, दिखाता हूँ मैं बस। और हम अभी आए हैं VR देखने, साउथ की मूवी है, मैं दिखाता हूँ पोस्टर। ये देखिए, यहाँ प्रेम इंतजार कर रहा है और ये रहा पोस्टर। तो चलते हैं, अभी टाइम हो गया है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। सो गाइस अभी हम मूवी देखने आए हुए हैं। कमरोटो की ब्रह्म राक्षसी कहानी मुझे पहले से ही पता है। ये वो कहानी नहीं है, उससे भी बड़ी कहानी है। उससे भी बड़ी कहानी है? वाह, फिर तो जल्दी से सुना। कमरोटो जाने से लोग डरते थे, रात को कोई भी बाहर नहीं निकलता था, बच्चे भी बाहर नहीं खेलते थे। एक दिन उस गांव में एक गुम्मा आया। प्रेम मूवी कैसा लगा? काफ़ी बढ़िया था यार, काफ़ी सस्पेंस था, मज़ा आया देख के मज़ा आया काफ़ी, बहुत सस्पेंस था। लास्ट मोमेंट था भाई सस्पेंस जो रखा था। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright, you weren't easy, so hard. So guys, अभी हम लोग डोमिनोज आ चुके हैं और हर्ष अभी तक आया नहीं है। हर्ष को पिक करेंगे, हर्ष को कॉल कर, पिक क्या करेंगे, मतलब तो आप लोग आए ही है तो अब खुद ही आएगा। पिक तो करने के जहाँ करना था वहाँ तो आया ही नहीं था वो, पहले जब हम लोग पहुँचे थे। और फिलहाल आप लोग पीछे का व्यू देखिए। Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Such a look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic, before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you'd been waiting. पिज्जा खाना तो हो गया है, लेकिन एक और मतलब खाएंगे, तो हर्ष बोल रहा वो नहीं खाएगा और उसको कहीं जाना भी है तो वो निकल रहा है। और बाकी अपने तो चलो हर्ष फिर भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम ब्रो। तुम ही जा रहा है? नहीं, तुम नहीं जा रहा। हाँ भाई भाई भाई, अभी फाइनली पिज्ज़ा खाना तो हो गया और अभी चलते हैं वापस घर। तो यहाँ साथ में प्रेम है। प्रेम कैसा लगा आज का दिन? काफ़ी मज़ा आया, पानी पीते प्यास लगा है। इसको बोला गया गाइस के अंदर पता करो पानी है कि नहीं है, लेकिन ये पता नहीं करने गया। बाकी अभी नॉइज़ हो रही होगी तो चलते हैं हम लोग। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे एक टेस्ट एंड बाइट, श्रीरामपुर में ही, डोमिनोज के बगल में ही है। मतलब डोमिनोज से आप जब निकलोगे तो राइट साइड में है टेस्ट एंड बाइट। तो ओनर यहाँ पे हैं आंटी और एक अंकल यहाँ पे, इन लोगों ने फ्रेंचाइजी ली हुई है। तो अभी हम यहाँ के एक फूड ट्राई करने वाले हैं और साथ में प्रेम भी है। तो फूड मतलब डिजर्ट टाइप का है, मूज है इसका, एक ये मैंगो मूज है और एक कच्चा मैंगो मूज है। तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको ट्राई करते हैं। और बाकी ये जगह अगर आप लोग को एक्सप्लोर करना है तो मैं यहाँ का लिंक वगैरह डाल दूँगा और इनके जो एड्रेस है वो भी डाल दूँगा, ठीक है। तो बाकी ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं आप लोग? ऑनलाइन वो तो ऑनलाइन अभी शुरू नहीं है। अच्छा, अभी शुरू नहीं, मतलब काम चल रहा है। तो ऑनलाइन भी काम चल रहा है, ये लोग शुरू करने वाले हैं जल्दी। तो बाकी लगे रहो, हम टेस्ट करके बताते हैं कैसा लगता है, ठीक है।
तो गाइज अभी मैंने ओनर से बात की तो उन्होंने कहा कि कस्टमाइज्ड ऑर्डर भी होता है तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो और बाकी और भी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो बाकी आप लोग यहाँ एक्सप्लोर करोगे आके खुद से तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोग को, तो आके देखना ज़रूर। और ओनर भी काफ़ी अच्छी हैं, जो उन्होंने सर्व किया वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया है और मैंने कार्ड ले लिया है। तो जिस नंबर से आप ऑर्डर कर सकते हो वो डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर सकते हो और एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल दूंगा। नाम है टेस्ट एंड बाइट फूड हॉलिक, ठीक है। गाइस फाइनली भी घर आ चुके हैं और थोड़ा सा थक गया हूँ मैं एकदम इतू सा तो हाँ, वैसे मुझे एक बात बतानी थी आप लोग को कि अगर आप लोग आसपास के हो, मतलब जो मुझे जानते हैं जैसे रिछड़ा हो गया, श्रीरामपुर, हिंद मोटर, ये सब के आसपास के हो, कहीं के कोई भी सब्सक्राइबर हो सकता है यहाँ का आसपास का, जो मुझे नहीं जानता हो या फिर मुझे जानता हो थ्रू यूट्यूब, तो प्लीज़ अगर आप लोग उस जगह जा सकते हो जहाँ मैंने जो मैंने जिस चीज़ का प्रमोशन किया वीडियो के स्टार्टिंग में ही किया है, तो ये है वहाँ का कार्ड और यहाँ नाम है टेस्ट एंड बाइट फूडोहॉलिक, ठीक है। उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और जो भी एड्रेस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, मैंने पहले ही शायद वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, नहीं ध्यान दिया तो फिर से जाकर वापस देखो। और मैं अभी भी बता दे रहा हूँ कि मैंने एड्रेस, नंबर और ओनर का नेम वगैरह सब कुछ डाल दिया है, दुकान का नाम, एड्रेस, सब कुछ। तो आप लोग प्लीज़ अगर वहाँ जाओ, काफ़ी मतलब सही प्राइसिंग में इतना अच्छा अच्छा मतलब उनके यहाँ पे डिज़र्ट, पेस्ट्रीज़ वगैरह सब कुछ है, मैंने ट्राई किया, मैंने पेस्ट्री भी ट्राई किया, शायद यहीं कहीं आ रहा होगा, देखो इस जगह पे कहीं आ रहा होगा। और मतलब मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया, पहले मैंने ना पेस्ट्री ट्राई की, ठीक है, पेस्ट्री जब मैंने ट्राई की तो मुझे लगा बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा वो, मतलब उस प्राइस रेंज में अराउंड 30 रुपीज़ की एक पेस्ट्री थी वो, काफ़ी पेस्ट्रीज़ खाई है मैंने, मैं मतलब जो हूँ केक्स, पेस्ट्रीज, डिज़र्ट, आइसक्रीम, ये सब का बहुत शौकीन हूँ, आप लोगों को भी पता ही होगा तो कितना मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने जो देखा उसके हिसाब से मतलब इतना सही बनाया था ना उन लोगों ने। अब देखो वो उन्होंने एक फ्रेंचाइजी ली हुई है टेस्ट एंड बाइट की, ठीक है, और शायद उनके शॉप का नाम है फूडोहॉलिक या फिर कुछ ऐसा ही कुछ है, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, जो वहाँ पे ऊपर में टेस्ट एंड बाइट का बैनर लगा हुआ था। तो जो मैंने पेस्ट्री वहाँ खाई वो इतनी अच्छी पेस्ट्री बनाई थी उन लोगों ने 30 रुपीज़ में, और सबसे प्लस पॉइंट है इनका कि ये कस्टमाइज्ड केक बनाते हैं, ठीक है, तो आप लोग इनको चेकआउट कर सकते हो और मतलब काफ़ी सही है यार, मतलब वहाँ जाओगे। और ओनर भी काफ़ी मतलब हम्बल थी, उन्होंने जिस तरह से बात की मुझसे, जिस तरह से उनका बिहेवियर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इनके शॉप के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा सेटअप कर लूँ, फूड ब्लॉगिंग भी करने का सोच रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे डेली ब्लॉगिंग जो कर रहा हूँ करूँगा, फूड ब्लॉगिंग भी करूँगा, तो इनका शॉप सबसे पहले मैं प्रमोट करूँगा। तो जो भी मेरे पास, जो भी मेरा सब्सक्राइबर बेस है, जो लोग भी आप लोग देख रहे हो, सब लोग बस यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग कोई भी एक दो जन भी अगर चले जाओगे ना और जाना, तो वहाँ प्लीज़ ये मेंशन कर देना कि उत्कर्ष द्विवेदी ब्लॉग्स की वीडियो देख के उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है, प्लीज़ बस ये मेंशन कर देना, उनको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और हाँ, ये मैं आपको बता दूँ कि पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने उनसे पेस्ट्री खाने के बाद खुद ही पूछा, उन्होंने नहीं कहा मुझे कि आप लोग प्रमोट करें, वो जानती भी नहीं थी कि ये ऐसा कुछ है कि ये यूट्यूबर है फिर कुछ भी है। मैंने पहले ही बोला कि मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ आंटी, क्या पे वीडियो बना सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है बना लो। देखो मुझे जब पेस्ट्री मैंने खाई ना तो मुझे लगा कि एक तो वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने एक और ट्राई किया जो आप लोग वीडियो में देख चुके हो, जिसको दिखाया मैंने, मूज था वो, ठीक है, मूज बोलते हैं उसको, तो इतना सही लग रहा था ना यार वो, मतलब जो टेस्ट था इतना सही था वो, मतलब इतना सही टेस्ट लग रहा था वो, तो आप लोग उसको ट्राई कर सकते हो। मतलब और भी चीज़ थी वहाँ, डोनट्स थे, केक्स थे अलग अलग, और सबसे प्लस पॉइंट इनका ये है कि ये कस्टमाइज केक बनाते हैं, आपको 2 दिन आगे ऑर्डर देना पड़ेगा, जैसे आपको अगर परसों या फिर नेक्स्ट डे मतलब 2 दिन बाद चाहिए तो आपको आज ही ऑर्डर देना पड़ेगा। काफ़ी सही प्राइसिंग है उनका, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा उन लोगों ने जो ये मतलब स्टार्ट किया है, काफ़ी अच्छा। और तो प्लीज़ आप लोग चेकआउट करना, प्लीज़ कोई भी आसपास के हो तो प्लीज़ एक बार जाना और बस ये बोल देना कि उत्कर्ष द्विवेदी ब्लॉग्स का वीडियो देख के मैं यहाँ आया हूँ, बस इतना बोल देना। और जिस दिन आप लोग जाओगे ना, मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे वहाँ स्टोरी लगा के मेंशन कर देना यार, प्लीज़। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ, डेली व्लॉग्स आएंगे और शॉप को प्लीज़ चेकआउट कर लेना यार फिर से, अगर आप लोग में से 2 लोग भी कोई चला गया ना, मुझे बहुत मतलब मैं सोचूंगा कि हाँ मैंने जो सोचा था, जिस चीज़ को सोच के मैंने ये पूरा मतलब करने का ट्राई किया है वो अच्छा हुआ है। बने रहो चैनल पे, चलते हैं अभी, बाय बाय।